हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलम जायका में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही ईजी है और आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूं ढोकला रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि मेरी नई रेसिपी की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए ढोकला बनाना शुरू करते हैं। स्पॉन्जी ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप बेसन लिया है और 3 चम्मच सूजी डालेंगे, कटी हरी मिर्च और कटे अदरक, और करीब 3 चम्मच हम चीनी डालेंगे क्योंकि ढोकला थोड़ा मीठा ही होता है, और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग या छोटी चम्मच, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, और 1/2 कप हमने फ्रेश दही लिया है। अगर आपके पास खट्टी दही है तो मात्रा कम कर दें। अगर आपको हींग का टेस्ट पसंद है तो आप थोड़ी सी हींग ऐड कर सकते हैं, और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, याद रखें, जो मैंने दही लिया है ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज से निकाल कर तुरंत इस्तेमाल ना करें। और थोड़े थोड़े पानी डालकर हम एक बैटर तैयार करेंगे, और एक साथ पानी ना डालें, थोड़े थोड़े ऐड करें, नहीं तो बैटर गीला हो सकता है। और पानी भी नॉर्मल ही लें, ठंडा या गर्म पानी ना लें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स होना है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। फ्रेंड्स, ढोकला बनाने का मेन काम यही है कि इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से मिक्स करें, तभी ढोकला आपका स्पॉन्जी बनेगा। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि ढोकला स्पॉन्जी नहीं होते हैं, हार्ड बन जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से ढोकला बनाएंगे तो आपके ढोकला कभी भी नहीं टूटेगा और बहुत ही स्पंजी बनेगा। इस बैटर को मिक्स होने में 8 से 10 मिनट तो लग जाएंगे, तो प्लीज़ आप टाइम की बचत बिल्कुल ना करें। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं ट्रे की ओर। तो ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा ढोकला अच्छे से बन पाए और इसमें चिपके ना। ट्रे हमारा रेडी है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं बैटर की ओर। तो बैटर में हम 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और देर बिल्कुल न करें, इसे फटाफट ही ट्रे में डालना है। और जो हमने इनो लिया है वो किसी फ्लेवर का नहीं है, तो आप भी ब्लू या ग्रीन पैकेट का ही इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, तो इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो चलिए अब फटाफट से ट्रे में डाल लेते हैं। तो मैंने ट्रे में डाल ली है और इसे हल्का सा टैप कर लेंगे, और अब हम माइक्रोवेव में रखेंगे। जस्ट माइक्रोवेव को खोल कर नीचे में रखना है और इसे बंद कर दें। हाई टेम्परेचर पर करीब 5 मिनट के लिए रखें, और 5 मिनट के बाद चेक करें। अगर आपका ढोकला नहीं पकता है तो 2 मिनट का टाइम और बढ़ा दें। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं। एक कढ़ाही में पानी ले लें और उसमें एक स्टैंड रखें, और उस पर ढोकला का ट्रे रखें और उसे ढक दें, और इसे करीब 20 मिनट के लिए स्टीम होने दें। जब तक हमारा ढोकला तैयार हो रहा है तब तक हम टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे, 1 चम्मच सरसों डालेंगे या राई भी डाल सकते हैं, और इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। और अब हम डालेंगे करी पत्ता, हरी मिर्च डालेंगे जो हमने बीच से काट लिया है, और इसे फ्राई होने देंगे। तो ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है, तभी हमारा ढोकला स्पॉन्जी और जूसी बनेगा। और अब हम डालेंगे 1 कप पानी, और चीनी डालेंगे 2 चम्मच, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी हमारा घुल जाए, और 1 चम्मच डालेंगे नींबू का रस ताकि तड़के में तीनों फ्लेवर हो, खट्टा, मीठा और तीखा। तो तड़का हमारा रेडी हो गया है, तो गैस का फ्लेम बंद करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और ढोकला भी हमारा रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं ढोकला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है।
तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और चाकू से चेक करेंगे, और चाकू बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब ढोकला बिल्कुल पक चुका है। तो आप देख सकते हैं किनारे बिल्कुल नहीं चिपका है, बिल्कुल अलग दिख रहा है, फिर भी हम थोड़ा सा चाकू से इसे निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम टेम्परिंग करते हैं, जो हमने तड़का बना के रखा है उसके ऊपर डालेंगे। चाहे तो आप ढोकले को अभी भी काट सकते हैं, लेकिन मैं बाद में काटूंगी, पहले ऊपर से तड़के को डाल लेंगे। तो तड़के को ढोकले के ऊपर अच्छी तरह से डालें ताकि कहीं सूखा ना रह जाए, और थोड़ा सा पानी को बचा लेंगे जो हम कट करने के बाद डालेंगे। तो चलिए अब हम ढोकले को काट लेते हैं। तो अपनी मनपसंद शेप में काट लें, और ये बहुत ही आसानी से कट रहा है क्योंकि ढोकला हमारा बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो आप देख सकते हैं अगर ढोकला अच्छा बनता है तो शेप भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इसी तरह से काट लें और ऊपर से तड़का थोड़ा और डाल लें जो हमारा बचा हुआ है। धनिया पत्ती से गार्निश करें ताकि ढोकले का टेस्ट और भी दुगना हो जाए, और अगर आप चाहें तो ग्रेट किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं। करीब 1 मिनट तक इसे छोड़ दें, और 1 मिनट के बाद हम प्लेटिंग करेंगे। तो चलिए 1 मिनट हो गए हैं और ढोकले को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आराम से निकल रहा है ढोकला, और बिल्कुल ही नहीं टूटा है। तो इसी तरह चम्मच से हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ढोकला बनाएंगे तो आपका ढोकला कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो आपका ढोकला बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से ढोकला एक बार ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपका ढोकला कैसा बना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है, बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी बना है। तो चलिए मैं सर्व करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के लोग बहुत देर से इंतज़ार में थे, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।